संतोष देवी राजसमंद से। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय विश्वेंद्र सिंह जी को शॉल भेंट करने के लिए लीला देवी जोधपुर से। वहीदन बानो हमारे साथ हैं, करौली से आप आई हैं। माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश साहिबा को ये शॉल भेंट करेंगी। भरतपुर से हमारे साथ हैं श्री ईश्वर दे जी, आपसे आग्रह मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष महोदय जनाब जुबैर खान जी को आप सम्मान स्वरूप ये शॉल पेश करेंगी। उदयपुर से हमारे साथ है राधा देवी, आप मजदूर किसान शक्ति संगठन के अध्यक्ष महोदय और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा रॉय जी को सम्मान स्वरूप ये शॉल भेंट करेंगे। सिरोही से धर्मी देवी जी से आग्रह, यूएन विमेन की जो रेप है मिस सुजन फर्ग्यूसन। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फैसला वो था क्रांतिकारी, कि दुनिया लोग मान गई। कई इकोनॉमिस्ट ने लिखा, दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त में, राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है, इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी, आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण ने इसलिए संभव हुआ। अब धीरे धीरे वो घूंघट भी ऊपर हो गया और महिला कहने लग गई, आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। आप सोच सकते हैं आज महिला शक्ति, मातृ शक्ति जो है वो इस देश में बहुत मजबूत है। और हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाहती है कि पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, वहां भी कम से कम 30% आरक्षण मिले, एमएलए बनने में भी, एमपी बनने के अंदर भी। इस माहौल में देश में नेशनल डिबेट चलती रहती है। एक सदन में कानून पास भी हो गया राज्यसभा के अंदर, फिर अड़चन आ गई है, कानून आधा रुका हुआ है। कभी कभी आपको अधिकार मिलेगा तो आप में से ही देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए आप एमएलए बनेगी, एमपी बनेगी, वो दिन भी कभी कभी आएगा हमारे सामने। ये ताकत है महिलाओं की। और तो और इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल से राज किया देश के अंदर। दुनिया में आपका इस हिंदुस्तान की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ा। हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है, शासन करके दिखा दिया उन्होंने, शानदार शासन करके दिखा दिया, अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी का सीना छलनी हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। ये ताकत महिलाओं की, आपकी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो यहां बैठी हुई हो, जिस रूप में आप में भरपूर जोश से उत्साह है, स्वयं साधक समूह बनाए आप लोगों ने, राजनीतिक के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है, मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा अभी ममता भूपेश जी कह रही थी, राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है, वहां पे भी मेरे कार्यकाल में दोनों बार महिला को मैंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। पहली मैं जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब श्रीमती कुशल सिंह नाम की महिला जो थी वो चीफ सेक्रेटरी बनी। पहली चीज